Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट टीवी और मैं हूं आपके साथ लोफर अंसारी। हवनकुंड तोड़ने वे बाबा मनोहर नाथ मंदिर ट्रस्ट के संरक्षण रमनगिरी की गिरफ्तारी का विरोध करने पहुंचे करीब 100 साधु संतों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन सभी को उन्हीं की बसों में जबरन भरकर शहर की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। मंदिर में ये साधु संत बीती रात से इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। आज 1 जनवरी को हुई घटना के विरोध में इन साधुओं को बाबा मनोहर नाथ मंदिर से डीएम ऑफिस तक जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था। जुलूस से इनकार करते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर में ही साधुओं का ज्ञापन लेने का आश्वासन दिया था। ज्ञापन दिया जाता इससे पूर्व ही भारी संख्या में धड़धड़ाते हुए पहुंची पुलिस ने साधु संतों को परिसर खाली करने के लिए बाध्य कर दिया। पुलिस का भारी दबाव देखते ही वहां साधु संतों को अपने कंबल उठाकर भागते हुए देखा गया। बाहर खड़ी इन लोगों की बसों में सभी को बैठाकर आगे रवाना कर दिया गया। वहां मौजूद ट्रस्ट के अधिवक्ता रूपचंद शर्मा व अन्य लोगों ने इस पुलिस व प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ जाते हुए एसीएम सिविल लाइन ने ट्रस्ट के खिलाफ फैसला दिया है। रोती हुई गुरु मां नीलमानंद महाराज को साधु महिलाएं यह दिलासा भी देते हुए कैमरे में कैद हुए कि प्रदेश में योगी की सरकार है, उनकी आवाज सभी संत योगी तक पहुंचाएंगे, न्याय अवश्य होगा। देखिए सोमवार को सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर के हालात। ये सरकार के लिए उचित नहीं है। सरकार नहीं, सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही, सरकार मान्यवार आप सरकार अधिकारी होते हैं, तो अधिकारी हैं तो फिर करा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जो बात हमने बोला था किसी ने बोल दिया कि लेफ्टियर होने अब बताओ इन लोगों की वजह से भूखे जा रहे हैं, यहाँ तो भोजन सही आ रहे हैं, आपने कह दिया सब कुछ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मम्मी उठाओ, बोलो बोलो, राम मंदिर के लिए सब लड़े, कोई अत्याचार नहीं कर रहे, नहीं अगर हम अत्याचार कर रहे हैं तो बताइए, हमें अधिकारी पूरी फोर्स जगह गई थी, धमका रहे इस बारे में ट्रस्ट के अधिवक्ता रूपचंद शर्मा ने यह जानकारी दी। मनोहरनाथ मंदिर ट्रस्ट के तहत जो साधु संत 1 जनवरी 2023 को महामंडलेश्वर गुरु नीलमानंद महाराज जी पड़ोसी के साथ मारपीट की थी और यज्ञ कुंड का विनाश किया गया था और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उसके साथ संतों के कुछ दिल्ली से आ रहे हैं और कुछ संत आए हुए थे, तो उनको एक ज्ञापन देना था, जो ज्ञापन मेरे हाथ में भी है। इसमें सिर्फ ये प्रिंट की गई थी कि उनके साथ कोई अन्याय न किया जाए, इसमें प्रशासन के विरुद्ध कुछ नहीं थी। किस तरह का अन्याय हो रहा है उनके साथ? उनके साथ अन्याय हो रहा था कि यज्ञ कुंड को तोड़ दिया गया था, उनके साथ जो माता है उनको गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो साधारण औरत के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता, और भूमाफियों ने कातिलाना हमला किया था और एक संत को रमन गिरी जी को जेल भेज दिया गया जो आज भी जेल में है। और दिवाकर जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपका यहीं ज्ञापन ले लेंगे। कुछ संत आ रहे थे 2-3, उनका इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच में प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए संतों को अरेस्ट कर लिया है और अपनी बस में ले गए। वहीं पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर नीलिमानंद महाराज ने यह कहा, सब कागज इन्होंने फर्जी बनाए हुए हैं और उसी के आधार पे ये पिछले 40 सालों से, दूसरी बात ये पिछले 40 सालों से मालिकाना हक के का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो आप एक बात बता दो, कोर्ट में जब मालिकाना हक के लिए मुकदमा चल रहा है तो आज कागज वो कहाँ से आ गए? 23:05 की रात से 10:30 बजे से इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। वो अपनी ज़मीन बता रहे हैं, तो उनकी ज़मीन तो जब है ही नहीं तो कैसे विवादित हो गया? उन लोगों को रोके ना,
जो जो बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडाई दिखा रहे हैं, यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, शराब पी के उत्पात कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रशासन रोके ना। उन लोग, हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो अपने स्थान पे रहते हैं। अब आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब आगे की क्या रणनीति, अभी देखो आप, कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, अब देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है, क्योंकि पता नहीं प्रशासन क्या प्लान ले आए। अचानक आके उन्होंने ये कह दिया कि साधु उपद्रव करने आए थे अभी, अभी वो तो और उन्हें डंडे ले लेके जो है उन्हें डरा डरा के उन्हें बस में बिठाया गया और वो ले गए यहाँ से साधुओं को। बताइए ये कौन सा तरीका हुआ प्रशासन का? क्या नाम आपका? मेरा नाम श्री मैनसुमेदी है। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ से आए हो? मैं पावागढ़ गुजरात से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरीके से इस जो बाबा मनोनाथ मंदिर ट्रस्ट में मेरे आंखों के देख के सामने जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है, इस बर्बरता की जितनी घोर निंदा की जाए, और मेरा सभी सनातनियों से अनुरोध है, इस देश के गृह मंत्री से, अमित शाह जी से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, और मैंने इस मामले में ब्रजेश पाठक जी से भी तत्काल बातचीत की है, वो जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सी एम है, उन्हें तत्काल मेरे से रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और निश्चित जो भूमाफिया आज हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने में तुले हैं, इसकी रक्षा की जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में मैं भूख हड़ताल पर संसद के बाहर बैठूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा मनोहर नाथ मंदिर में, जहां पर भारी हंगामा हुआ है। ये लोग बाहर से आए हुए संत हैं, जितने भी आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये सभी बाहर से आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनको खाना भी नहीं खाने दिया गया, और ये डीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे, उसके लिए संतों के साथ अन्याय हो रहा है इस मंदिर में। तो आपके साथ क्या हुआ आज? आप हमारे साथ, हम लोग तो हरिद्वार से आए हैं जी, पूरी संत मंडली हमारी हरिद्वार से आई है, और अपने सनातन धर्म की जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ संत जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने अभद्र व्यवहार हमारे साथ जो किया है, हमें बहुत बुरा लगा। अच्छा, आपको जी खाने भी नहीं दिया? पुलिस ने यहाँ पे जो है हमको सबको रख दे दिया, भूखे प्यासे बेचारे सब भाग गए। सर आपका नाम पहले? डीके मिश्रा। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार से हैं सर सब लोग। अच्छा, आपके आने का मेन मकसद क्या था वैसे? बस शांति की, मतलब यहाँ पे यज्ञ तोड़ा गया, मतलब हिंदू धर्म की हम लोग अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, और संगठन हमसे इसीलिए सफल है क्योंकि हम लोग एक नहीं है। माने यज्ञ को तोड़ा गया, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग तो शांति पाठ के लिए आए थे कि जिसने यज्ञ तोड़ा उसको सजा दिया जाए, उसको लिया जाए, तो हम ही लोगों को ले गए उठा के। अच्छा, आज जो आपके साथ यहाँ पर हुआ है इस मंदिर में, उसके बाद आप क्या करेंगे आगे? कोई कार्रवाई करेंगे? अब कार्रवाई जैसे यहाँ संत समाज करेगा वैसे करेंगे। अच्छा, आप वापस लौटेंगे? अब जो कहेंगे, अभी तो बैठे हैं हम। अच्छा, अच्छा, अब बाकी लोग गए, अभी तो इतने लोग बैठे हैं, तो ये अभद्र व्यवहार अच्छा नहीं है ना। तादाद में आए थे यहाँ पे 80 लोग थे। 80 लोग थे, 80 में से लगभग 50 को अरेस्ट किया गया है। हाँ नहीं, ज्यादा 60 बता, 10 बचे केवल। 60 खाने वाना किसी ने खाया उनमें से या नहीं? कोई ने कहा खा दो, बन रहा है सब, पुलिस सब बंद करो सब, SDM मजिस्ट्रेट नगर मजिस्ट्रेट आए और सबको हड़का पड़का के ले। जैसा कि आपने देखा, ये सभी इंसाफ के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनका कहना है यहाँ पर 80 की तादाद में लोग आए थे बाहर से, जितने भी संत हैं यहाँ पर, उसमें से 60 को, लगभग 60 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, खाना तक नहीं खाने दिया गया, और यहाँ पर जो यज्ञ तोड़ा गया था उसी का इंसाफ मांगने ये लोग यहाँ पर आए थे। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैंने लोफर अंसारी, फर्स्ट बाइट TV। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।